नमस्कार दोस्तों, बदल स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको आपके राशन कार्ड के 11 बड़े फायदों के बारे में बताऊंगा और जानकारी दूंगा। दोस्तों राशन कार्ड के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इनसे आप क्या क्या बड़े बड़े लाभ ले सकते हैं इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 बड़े फायदे राशन कार्ड के बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि राशन कार्ड जो होता है वो राशन लेने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आपको गेहूं, चावल, चीनी, एलपीजी या केरोसिन जो है वो उचित रेट पर मिल जाता है, सब्सिडी वाले रेट पर मिल जाता है। तो राशन कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यही है। दोस्तों बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राशन कार्ड को अपने पते के रूप में और अपनी आईडी के रूप में इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ये भी इसका एक बड़ा फायदा है। दोस्तों स्कूल कॉलेजों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर भी आप इसे अपने पता प्रमाण के रूप में या अपने आईडी के रूप में इसको आप दे सकते हैं और स्कूल कॉलेज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप अपना मतदाता कार्ड यानी कि वोटर आईडी बनाना चाहते हैं तो भी आप राशन कार्ड का इस्तेमाल करके अपना पते के रूप में इसको दर्शाकर अपना मतदाता कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मोबाइल सिम लेना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई भी दूसरा आईडी नहीं है तो आप राशन कार्ड के जरिए नया मोबाइल सिम ले सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप कोर्ट कचहरी में आपको कभी कोई काम पड़ता है तो आप राशन कार्ड को अपने पते के रूप में और अपने आईडी के तौर पर इस्तेमाल करके कोर्ट कचहरी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अपना पता यानी कि एड्रेस प्रूफ देना होता है और उसके लिए आप अपने राशन कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अपनी आईडी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइसेंस बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आप नया एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके नया एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं। एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए आपको अपना पते का प्रूफ देना होता है जिसके लिए आप राशन कार्ड को दे सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वहां पर भी पते प्रमाण के रूप में आप राशन कार्ड का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवा सकते हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में अगर आपको कोई काम है या आपको वहां पर कोई अपना एड्रेस प्रूफ देना है, आईडी प्रूफ देना है तो वहां पर भी आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों ही सूरतों में चाहे आप आईडी देना हो चाहे पते का प्रमाण पत्र देना हो वहां पर आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इंश्योरेंस के पैसे निकलवाने हैं या इंश्योरेंस के पैसे इस्तेमाल में लेने हैं तो उसके लिए भी आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड आपकी आईडी और आपके पते प्रमाण के रूप में स्वीकार होता है और हर जगह इसका फायदा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 11 बड़े फायदे बताए हैं आपके राशन कार्ड के। तो अगर आप इनमें से कोई सा ही फायदा लेना चाहते हैं या लाभ लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, क्योंकि राशन कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं और इसके बारे में हमें जानना जरूरी भी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी राशन कार्ड के गुणों के बारे में जाने और इसका फायदा ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।